गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 77, हाफ अ टर्न। वंस देयर वाज अ किंग, बहुत समय पहले एक राजा था। ही वाज अपसेट बिकॉज थीप्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। वह उदास रहता था क्योंकि चोर अक्सर क्या करते थे, तो उसके लॉकर से कीमती गहने चोरी कर लेते थे। हियर इज वाट द लॉकर लुक लाइक, यहाँ पर लॉकर है कि कैसा दिखता था। तो इसी लॉकर से चोर अक्सर चोरी कर लेते थे कीमती गहने। द लॉकर कुड बी ओपेंड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। लॉकर के हैंडल को हाफ टर्न दे करके, जो हैंडल था उसको हाफ टर्न दे करके खोला जा सकता था, और फिर दूसरा हाफ टर्न देने पे वो लॉकर बंद हो जाता था। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड, राजा अक्सर लॉकर को खुला छोड़ देता था, उसे लगता था कि उसने लॉकर बंद कर दिया है, लेकिन वो अक्सर लॉकर को खुला छोड़ देता था और थीप्स उसी का फ़ायदा उठा करके उसमें से सामान चोरी कर लेते थे। कैन यू गेस द रीजन, क्या आप रीजन बता सकते हैं कि वो क्यों छोड़ देता होगा खुला? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कलर है ये ऊपर भी येल्लो है और यहाँ नीचे भी येल्लो है, इसको जब हाफ टर्न देंगे तो ये येल्लो वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट येल्लो जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये पता नहीं चलता है इससे, इस स्थिति में, कि ये लॉकर ओपन है या क्लोज है। तो राजा भी इसीलिए कंफ्यूज हो जाता होगा, उसको पता नहीं चलता होगा या लॉकर उसने बंद कर दिया है या खुला हुआ है। अगर ये दोनों अलग अलग कलर होता, जैसे यहाँ येलो है और यहाँ ब्लू है, तब अगर इसको हाफ टर्न देते तो ब्लू वाला पार्ट ऊपर हो जाता तो इसका मतलब बंद होता, और अगर वो फिर हाफ टर्न देने पे नीचे आ जाता तो ब्लू वाला नीचे आ जाता तो इसका मतलब था कि लॉकर ओपन था। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही कलर सेम है तो इसीलिए देखने से पता नहीं चलता था। राजा की बेटी ने उसे एक येलो ब्लेड पे एक ब्लैक कलर का एक डॉट डाल देने के लिए कहा। अब जैसे ये डाल दिया तो ये इस स्थिति में, अगर इस कंडीशन में अगर लॉकर ओपन है तो इसको हाफ टर्न जब देंगे तो ये ब्लैक वाला पार्ट यहाँ नीचे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो इसका मतलब ये लॉकर लॉक्ड है। अब आराम से वो पता कर सकता है, जैसे ये ब्लैक डॉट अगर ऊपर है तो इसका मतलब लॉकर ओपन है, अगर ये ब्लैक डॉट नीचे है तो इसका मतलब लॉकर लॉक्ड है। अब वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स, राजा के पास इस तरह के बहुत सारे लॉकर्स हैं विथ डिफरेंट हैंडल्स, जिसके हैंडल्स अलग अलग तरह के हैं। चेक ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न, चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दीज टू। तो उनको भी वो हाफ टर्न जब देता है तो उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो ये भी लॉकर्स हैं जिसका हैंडल अलग अलग तरह का है, इसमें भी वो कंफ्यूज हो जाता है, इसमें भी नहीं पता चलता है। तो व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दीज, आप क्या करेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो इसी तरह का कोई भी एक साइन यहाँ पर बना देंगे या कलर चेंज कर देंगे, या यहाँ पर जैसे डॉट या स्टार कुछ इस तरह का एक साइन डाल देंगे, जैसे ये है इस तरह का डाल दिए। तो अगर ये अभी मान लीजिए कि ओपन है और ये नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? क्लोज होगा। प्रत्येक पे इसी तरह का कोई साइन, कोई कलर अलग तरह का डाल देना है। जैसे ये है तो यहाँ पे डॉट डाल देते हैं, इसी तरह से पता चल जाएगा राजा को, किंग को पता चल जाएगा आराम से लॉकर ओपन है या क्लोज है, यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से
अब आगे इसी में एक और क्वेश्चन, सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, कहता है गिस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। यहाँ पर नीचे कुछ शेप्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से शेप्स हाफ टर्न देने के बाद सेम दिखेंगे। जैसे पहला शेप यहाँ पर ही है, तो इसको जब हाफ टर्न देंगे, जैसे ये है पहला स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर ही है, तो उसको जब हम हाफ टर्न देंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, पूरे का कलर सेम ही है, एक ही है, तो इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए लुक्स सेम आफ्टर हाफ टर्न, ये जो शेप है ये हाफ टर्न देने के बाद सेम दिखता है। इसी तरह दूसरा शेप जो है ये रेक्टेंगल है, इसमें भी पूरा में एक ही कलर है, इसको जब हम हाफ टर्न देंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, नीचे ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, ये भी हो जाएगा लुक्स सेम आफ्टर हाफ टर्न। सर्कल, सर्कल भी क्या होगा, कैसा दिखेगा ये सर्कल जो है, तो सर्कल भी हाफ टर्न देने के बाद सेम दिखता है, लुक्स सेम आफ्टर हाफ टर्न। फिर ये रेक्टेंगल है, इसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, इसको भी जब हम हाफ टर्न देंगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, ये भी लुक्स सेम आफ्टर हाफ टर्न। लेकिन उसके बाद एक शेप है ट्रायंगल, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को जब हम हाफ टर्न देंगे तो ये वाला जो पार्ट है पॉइंटेड पार्ट, ये नीचे आ जाता है और नीचे वाला ये साइड जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो सेम नहीं दिखता है। तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे डजंट लुक सेम आफ्टर हाफ ए टर्न, ये हाफ टर्न देने के बाद सेम नहीं दिखता। उसके बाद एक हेक्सागोन है, इसको जब हम हाफ टर्न देते हैं तो ये भी क्या होता है, सेम दिखता है पहले की तरह, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न, हाफ टर्न देने के बाद ये सेम दिखता है। उसके बाद एक पेंटागोन है, तो इसको जब हम हाफ टर्न देंगे तो इस तरह का शेप बनता है, ये वाला जो पार्ट है ये नीचे के साइड आ जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाता है, तो डजंट लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न, ये हाफ टर्न देने के बाद सेम नहीं दिखता है।